उदीचामादस्ताने यः पूर्वायाः सूत्र आरंभ हुआ। उदीचाम मते उत्तर दिशा के आचार्य वालों के मत में आतः स्थाने आकार के स्थान में जो हुआ आकार है उसको ई इत जो है कल्प से कब यकपूर्वायाः यकपूर्वस्य स्त्री प्रत्यय आकारस्य स्थाने यो आकारः तस्य कात्पूर्वस्य इद् वा स्याद् आपि परे। यकपूर्वस्य स्त्री प्रत्यय यतात् चाप डाप हुआ है स्त्री प्रत्यय आकार उसके स्थान में जो ह्रस्वकार हो गया किण इत्यादि सूत्र से वह आकार जब कात्पुर हो तो विकल्प से इत हो जाता है आप ही परे पुनः स्त्रीत्व कक्षा में टाप आने पर। मैंने पहले एक बार टाप हुआ था उसको रस हो गया है फिर दोबारा स्त्रीत्व कक्षा में तही तांत होने के नाते दोबारा टाप आ गया उस टाप के प्रत्यय हो ये टाप को रस किसने करा था कहते के अण इति ह्रस्व जिस दृष्टांत है आर्या आर्या शब्द था आर्या और आपने स्वार्थ में कब प्रत्यय कर दिया कुत्सित अर्थ में भी कब प्रत्यय कर सकते हैं अज्ञात अर्थ में भी कब प्रत्यय कर सकते हैं उस क के प्रत्यय क्या होगा के अण सूत्र लग गया आर्या के जो आ हो गया ह्रस्व आर्य क कब प्रत्यय मिला दो आर्य क पुनः प्रय संज्ञा होगी तांत उत्पाद पुनः ताप आ गया आर्य क धन ताप। अब ये जो है यकपूर्वा है यकपूर्वस्य स्त्री प्रत्याकारस्य आर्य में क्या है यकार पूर्व में है ऐसे स्त्री वाला ताप था इसे उसको ह्रस्व रखा है उस ह्रस्व आकार को इत विकल्प हो गया तो आर्य का आर्य का। और क पूर्व के लिए दृष्टान्त है चटका चटका शब्द कैसा है ककार पूर्व में है ऐसे आबंध है चटका का है ना क और आ आगे पूर्व में ककार दिख रहा है इसे कपूर्वक आ है उसके स्थान में के अण से पुनः क प्रत्यय होने पर ह्रस हो गया तो चटका क बनेगा चटका क फिर टाप कर दिया आपने टाप कर दिया तो क्या हो गया चटका क ताप का आ है उस स्थिति में ये सूत्र इत विकल्प कर दिया तो दो रूप बना इसलिए चटका का चटकी का। आत किम यकपूर्वक स्त्री प्रत्यय आकार के स्थान में ये क्यों आपने कहा सांकाशे भवा इति सांकाशी का नित्यित्व हो जाएगा सांकाशीय भवा इति सांकाशी का यक इति किम या सांकाशीय में क्या है आतनी ना सांकाशीय अदंत है सांकाशीय भवा पुल्लिंग वाला लेने इसे सांकाशीय दृष्टांत दे रहे सप्तमी विग्रहवाक्य में सांकाशीय कर दिया ना इन्होंने क्यों ऐसे विग्रहवाक्य कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि यह पुल्लिंग वाला है ताबन स्त्रीलिंग वाला है ही नहीं स्त्रीलिंग वाला होता तो आकार होता पुल्लिंग में भी धातु आदि में आकार होते स्त्री वाला आकार है ही नहीं यहाँ इसलिए क्या हुआ अदंत यकार पूर्वक आकार है अतएव इसमें सांकाशीय क बना सूत्र लगाएंगे यहाँ पर बताएंगे पूरी प्रक्रिया आएगी नीचे वहीं क्षण क ठच इत्यादि सूत्र के द्वारा सांकाश आदि गण विपरीत शब्द होने से अन्य प्रत्यय हुआ सांकाशीय बना है ना सांकाशीय संकाश शब्द से सांकाशीय पदंत है स्त्रीत्व कक्षा को टाप अधिकारी नहीं हुआ है और उससे आपने भवार्थ में स्त्रीत्व कक्षा में क्या फिर आपने प्रत्यय किया को सांकाशियक सांकाशियक स्त्रीत्व कक्षा में टाप की और ये आकार को आकार नहीं हुआ है यकार पूर्वक आकार तो है स्त्रीत्व टाप के आकार को ह्रस्व करके आकार हुआ नहीं है अतः इस आकार को नित्यित हो गया जो प्रत्येक आकार पूर्व में आकार है प्रत्यय आप स्पष्ट से नित्यित हो जाएगा सांकाशिकार बनेगा इस आबंध हो लेकिन वो यकपुर होना चाहिए क्यों का
ये कहते किम अश्विका, अश्वा शब्द है, अश्वा। अश्वा कैसा है? वपुर में यकार वकार एकार ककार नहीं है, तो अश्वा व और आ है, तो वकार पूर्वक ताप है ये, इसे यहां भी नित्य ही हो जाएगा। अश्विका स्त्री प्रत्यय का वाला आकार क्यों कहा? आदल तो पुलिंग में भी होते ना, गोपा और उपनाकार पुलिंग में अपने गोपा गाम पाती थी गोपा, देखने में आकार दिख रहा है लेकिन टाप चाप डाप का आकार नहीं, धातु का आकार है। कृप वासुरा पर लोप हो गया प्रातिपदिक गोपा स्वायत्त प्रत्युप का रूप बनता है। इसी पर एक और यहां दिखा रहे शुभम याद, उसको नहीं लिया क्योंकि यकपूर्व नहीं है ना, ये य और कपूर्व में होना चाहिए आकार, ऐसे धातु लेना पड़ेगा, यकार पूर्वक आकार हो या ककार पूर्वक आकार हो, इसलिए शुभम याति शुभम याहा। अज्ञाता शुभम याहा, तो अज्ञात अर्थ कन प्रत्यय कर दिया, अज्ञाता शुभम याहा, शुभ को शुभम याति, शुभ को लाता है जो वो शुभम या कहा जाता है, और जो अज्ञात शुभ को लाने वाला उसको कहेंगे ऐसी जो स्त्री स्त्री कक्षा में ले जाओ इति शुभम ईका, नित्य ही यहाँ पर इत होगा प्रत्यस्ताक का सूत्र से नित्य, किरण तरह से भी हुआ सब कुछ हुआ है पूर्व प्रक्रिया के अनुसार, यह कार पूर्वक आकार है लेकिन वो आकार स्त्री वाला आकार नहीं, ताप चाप डाप का आकार नहीं था, किंतु किसका था? वो धातु का आकार है, धातु का अपना प्राकृतिक स्वाभाविक आकार है, वो प्रत्यय वाला आकार नहीं है, इसलिए उसको ह्रस्व होने के बावजूद उस ह्रस्वकार को इत विकल्प नहीं करेगा, नित्यकार हो गया शुभमी का। स्वयं समझा रहे धात्वंत यकोस्तु नित्यम, धात्वंत जो आकारांत है यकार पूर्वक आकारांत जो धात्वंत होगा वह नित्य ही इत होगा नित्यम। सुनयिका सुनयिका सुपाकिका, यहाँ भी नित्य हो रहा है, यकार और ककार पूर्वक यहाँ दिखा रहे हैं, कैसे बनाइए? नी प्रापणे धातु है, नी प्रापणे धातु से 50 अच प्रत्यय कर देंगे नी धातु से, अच क्या कार रहेगा, नी को क्या होगा इसलिए गुण हो जाएगा, नी को नी ये चैसा आदेश सु नय, ऐसी जो स्त्री तापवा सुनया सुनया, यहां पर भी क्या है यकार पूर्वक तो है ताप भी है ना, ताप भी हुआ क प्रत्यर्ण सरस्व भी हो गया, लेकिन जो यकार है धातुकार है, धातु का यकार है धात्वंत एको, धात्वंत एको का नित्य होगा वार्तिक कह दिया, धात्वंत यकार होने के नाते सुनई धातु था, नी कोई गुण हुआ आदेश हुआ आदेश धातु का ही अवय माना जाएगा कि कोई है ये कोई हुआ है, वह यकार धातु होने के नाते तदंत सुनय से पर में आय यकार जो ह्रस्व विकार है उसको नित्य ही होगा विकल्प नहीं होगा। इस पर पचदा से डुपचस पाके पच धातु से बढ़िया ढंग से पकाने वाली, बढ़िया ढंग से पकाती है जो स्त्री, ऐसी स्त्री को सुपका, पहले बनाएंगे सुपका, यहां जो ककार क्या है धातु का अवय है, पच धातु है ना, चजो को घिन्ने तो हो, चजो को घिन्ने तो हो, घित प्रत्यवा घ सु पच घयता, घय के कार्य से उपजा वृद्धि भी सु पाच, घय का कार्य सु पाच अ, चकार वा चजो गुण्य तो हो गया क हो गया सुपाक, ताप हुआ सुपाका, अज्ञाता सुपाका इति, ऐसे भी गर्भ दिया होगा दोबारा टाप हो जाएगा, दोबारा टाप हो गया, और जो दोबारा टाप हुआ तो यहां देखने में आबंध है ये कर्ण होकर के रसो कर दिया आपने, सुपक सुपाक सुपाकिका बनेगा नित्यित्व हो जाएगा सुपाक है ना, सुपाक था ही उसको क प्रतिपदिक सुपाका जो था उसको रसो कर दिया सुपाक, ये प्रातिपदिक बन गया था, तब आप स्थिर पक्ष में टाप लाए, ताप लाने पर जो है उस आकार को नित्य ही होगा क्योंकि यहाँ क पूर्व तो है,
ताप भी है, उसका रस भी हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन वह ककार धातु का में हुई। इसीलिए यहां उसे परमे वाकार को नित्य करवा सुपाकिका बना। यहां तक का देखिए ठीक है सूत्र का। उदिचा माता प्रत्यस्तादि सूत्र वर्तते यश्च कश्चिति यकौ तौ पूर्वो यस्य इति विग्रह। यश्च कश्चिति यकौ तौ पूर्वो यस्य इति विग्रह कर दिया। यकेति वर्ण ग्रहणम यकार में अकार, ककार में अकार अविवक्षित है क्योंकि वह उच्चारणार्थ है। अकार उच्चारणार्थ यक पूर्वाया इत्येतद आदित्य से विशेषणम वात का विशेषण होगा। यकार पूर्व में ऐसा जो स्त्री प्रत्यय आकार, ककार पूर्व में है ऐसा जो स्त्री प्रत्यय वाला आकार, ऐसा अर्थ करना है। तेन अर्थगत स्त्रीत्व आकारे आरोप्य, इस अर्थ स्त्रीत्व को आकार में लाया जाएगा। अर्थात जो आकार है वो स्त्रीत्व कक्षा में आया हुआ टाप चाप डाप प्रत्यय का आकार होना चाहिए। यक पूर्वा इति स्त्रीलिंग निर्देश, इसीलिए स्त्रीलिंग निर्देश भी कर दिया। आता में नहीं तो कोई भी आकार लेते, धातु आकार लेते ना, अवेक आकार ले लेते, किसी भी आकार को ले लेते। उदिचा ग्रहणम विकल्पार्थमेव, उदिचांग जो ग्रहण किया वो विकल्प करने के लिए, अन्य शमते नहीं होगा इसके। न तो देश तो व्यवस्थार्थम, यानी कि उत्तर दिशा वाले आचार्य बोल रहे हैं लेकिन उत्तर दिशा में ही ऐसा रूप प्रयोग होगा, दक्षिण के लोग ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ नहीं करना, प्रयोग तो दोनों ही लोग करेंगे। ये नवेति उपाषित सूत्र भाष्य स्पष्ट है, इस बात को नवेति भाषा सूत्र में भाष्कर ने स्पष्ट किया है। न षष्ठी स्थान योग इत्येव सिद्धेर यह स्थानीय ग्रहण व्यर्थम, उदिचा मात स्थानीय योग षष्ठी स्थान योग से अपने आप सिद्ध हो जाएगा। परिभाषा सूत्र ने षष्ठी स्थान योग, आता षष्ठी है, एक पूर्वाया षष्ठी है, उस षष्ठी को देखते ही परिभाषा आ जाएगी, स्थान अर्थ निकल जाए, स्थान अंत प्रसंग, स्थान करते प्रसंग। तो ये जो चीज है तो आ ही रहा था, तो फिर यहां स्थान दोबारा क्यों ग्रहण किया, व्यर्थ होकर के ग्रहण कर दिया। अनुवादे परिभाषाणाम अनुपस्थित है, इस परिभाषा को ज्ञापन कर दिया उसने। तत्र च इदमेव स्थानीय ग्रहण ज्ञाप, उस परिभाषा में यह सूत्र में जो स्थानीय ग्रहण किया वही ज्ञापन करता है। अतएव वृद्धि वृद्धम इत्यत्र यस्य आदि वृद्धि इति अनुवादे एक परिभाषा न प्रवर्तते, जिसके आदि वृद्धि संज्ञा वाला वर्ण हो ऐसे समुदाय को प्रातिपदिक को क्या नाम पड़ेगा, वृद्ध नाम पड़ेगा। जिसके आदि वर्ण अच्छ जो है वृद्धि संज्ञा वाला हो, आ आई औ इन तीनों में से कोई भी वर्ण प्रातिपदिक के आदि में होगा उस प्रातिपदिक का नाम क्या पड़ जाता है, बूढ़ा वृद्ध। तो आदि में वृद्धि है तो पूरे का नाम पड़ गया वृद्ध। यहां पर भी वृद्धि को देखते हुए शब्द है ना यस्य चाम आदि तद वृद्धम, यहां पर यस्य चाम आदि, तो यहां पर वृद्धि यस्य वृद्धि शब्द है सूत्र में, उसको देखते ही ये नहीं सोचना इको गुण वृद्धि परिभाषा है, क्योंकि वृद्धि क्या है शब्द जो है सूत्र में, इस सूत्र में संज्ञा सूत्र में है ना, इसे वृद्धि का अनुवाद किया गया। वृद्धि का विधायक सूत्र कौन है, वृद्धि राधेच है, क्योंकि यह है वृद्ध संज्ञा सूत्र है, क्योंकि यहां वहां कहा गया था एको गुण वृद्धि में क्या कहा, गुण शब्द है ना वृद्धि शब्द है ना, यत्र गुण अतः वृद्धि विधीयते तत्रैव एकस्य षष्ठ्यन्त पद उपदिष्टत है, ये कहा गया। यहां गुण और वृद्धि का विधान किया जा रहा हो, अरे गुण या वृद्धि का विधान है नहीं, यहां वृद्धि का विधान नहीं कर रहे हैं, वृद्धि को अनुवाद किया केवल वृद्ध संज्ञा करने के लिए, विधि तो है नहीं यहां, इसे वृद्धि राधेश में भी नहीं जा सकता, वृद्धि रेची में भी नहीं जाएगा, कि वृद्धि रेची में क्या एक पूर्व प्रयोग अधिकार में, वहां भी कैसे षष्ठ्यंत उपस्थित नहीं होगा, कि स्थानीय निर्दिष्ट है, वहां परिभाषा कहां होते हैं जहां स्थानीय का निर्देश नहीं हुआ, निश्चय नहीं हमको किसके स्थान में वृद्धि करना है, जैसे सार्वधातु का अर्धातु यो हो कह दिया, सार्वधातु का अर्धातु प्रत्यय में प्रत्यय हुए, धातु को गुण हो गए, और धातु में कहा गुण करूंगा मैं ये तो पता नहीं, धातु का आदि में भी हो सकता है, धातु का बीच में भी हो सकता है, धातु का अंत में भी हो सकता है,
तब का इक्का से षष्ठंत उपजित हो जाएगा परिभाषा से, और अंगादि कारण से तदंत हो जाएगा। इगंत अंग को ही गुण होता है, तो उपधान एक होगा, बीच में एक होगा या आदि में एक होगा, उनको गुण वृद्धि नहीं कर सकते जब तक निर्देश नहीं हो। उपगंत लघुपद से चल, वहां लघुपद कह दिया, उपधा कह दिया, इसे उपधा को वहां भी विशेषण, उपधा में जो एक उसको ही गुण करना है, अन्य को नहीं। इसे जहां स्थानीय स्पष्ट नहीं होता है, अव्यवस्थित है, इसको करो उसको करो किसको करो पता नहीं चल रहा, वहीं पर परिभाषा सूत्र आते हैं। जहां स्थान स्पष्ट है वह भी नहीं जा सकता, जहां अनुवाद है वह भी नहीं जा सकता, और यहां भी अनुवाद है इसलिए यहां नहीं आ सकता। अतएव वृत्तिरेषचामाचित वृद्धमित्यत्र यस्यादि वृद्धित्य अनुवादे इक परिभाषा न प्रवर्तते, वहां प्रवृत्त नहीं हो सकता। तत् प्रवृत्त हो तो समस्या क्या होगी, प्रवृत्त करा दिया जाए तो शाला शब्द से वृद्ध संज्ञा न स्यात्। शाला में क्या आदि अच्छा इक नहीं है, वृद्ध संज्ञा नहीं होगा, वृद्ध संज्ञा नहीं होगा तो वृद्धाच्छा से छाप प्रत्यय नहीं होगा, तो शालीय रूप बनता है वो नहीं बनेगा। शकराधाकार से एक स्थानिकत्व भाव ततश्च शालीय वृद्धाचेति छ न स्यात्। औपगवीय इत्यादि औपगवीय में क्या है, औपगु था, गु को गुण हुआ है, औपगो बना है, वहां पर छ प्रत्यय हो जाएगा। शुरू में आदि में क्या है, औकार है, वृद्धि संज्ञा वाला भी है ना, उपगोर अपत्यम, उपगोर अपत्यम ऐसे करके औपगव बनाया आपने, वहां पर आदि में ऊ को गुण वृद्धियों क्या हुआ है, ऐसे जो औपगवादी शब्द है उनको ही क्या होगा, वृद्धि संज्ञा होगा, उनसे ही छह प्रत्यय होगा, फिर औपगवीय वहां तो रूप सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन शालीय इत्यादि रूप तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इत्यलम क्या स्व आर्या शब्द स्वार्थिक का प्रत्यय, तो स्वार्थिक ने कर दिया ना, अज्ञात भी कर सकते हैं। यकार आकार से किण, यकार के उत्तरवर्ती जो आकार है उसको किण सूत्र से ह्रस्व इत्यर्थ ह्रस्व आए, ये इसका तात्पर्य किण इतिहास्व। पुनश्चापि आर्य का शब्द तत्र यकाराधकार से आकार स्थानिकत्वाद इत्व विकल्प प्रत्यस्तादिति नित्य से इत्व से अपवाद आर्य का इति प्राथमिक का अपवाद से विकल्प कर दिया, दो दो बना। यकार पुरुष उदाहरण में ये तो यकार पुरुष का उदाहरण था, अतः ककार पुरुष उदाहरण उदाहरण दी, कका पुरुष उदाहरण दे चट कका चटके का इति चटका शब्द आदि हम स्वार्थ कह क्यों इति रस्व पुनस्ताप इत विकल्प इति भाव। सांकाशिकेति संकाशे ने निवृत्तम नगरम थी सांकाश्यम, संकाश नामक कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा स्थापित जो नगर है जो देश विशेष है उसका नाम सांकाश्य बना। कैसे बनाइए, कहते वही क्षण कठच इत्यादि ना संकाश आदिभ्यो न्य प्रत्यय आदि वृद्धि यसे चेति अकार लोप। सांकाश्य शब्दाद भव अर्थे धन्वयोपधाद वही अकादेश स्यात्, ऊ हुआ ऊ को अकादेश हो गया, यसे चेति अकार लोप ताप हो गया, प्रत्यस्ता नित्य मित्तम से या प्रत्यस्ता से नित्य होगा। क्यों, यह यकाराधकार से आकार स्थानिक यकार से पर में जो आकार है वो आकार स्थानिक नहीं है, किंतु कहाँ का था, ये वहीं को जो अक हुआ था अक के आकार है, इसलिए क्या हुआ इत विकल्पो न भवती थी भाव। नम स्त्री बोधक से आता इद्वास आदित्य वस्तु, ऐसा कर स्त्री बोधक आकार को इकार होता है, आकार के स्थान में जो ह्रस्वकार हुआ उसको ऐसे क्यों ले रहे हैं, इतना गौरव कल्पना कल्पना नहीं विधि है, क्या करे सूत्रकार ने स्थान ही ग्रहण कर लिया इसलिए सब करना पड़ रहा है। आतिति मास्तु इसे सूत्र से आता स्थान हटा दो, सांकाश का शब्द यकाराधकार से वही आदेश अवयवत्व न स्त्री बोधक तो भावादित कि आप तब भी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो वहीं का आकार है वह आकार स्त्री बोधक तो है नहीं, तरी आदि स्पष्टार्थ मिथ्या हो सबका। आता जो सूत्रकार ने ग्रहण किया केवल स्पष्टता की। अश्विकेति अश्वा शब्द कहा क्या ह्रस्व पुनस्ता अश्वका शब्द अत्र आकार से आकार स्थानिक अपि यकपूर्वकत्व भावाद इत्विकल्पो न, किंतु
प्रत्यस्त नित्यम इति भाव स्पष्ट है। स्त्री प्रतीति किम यकपूर्वाय इति स्त्रीलिंग निर्देश लब्धम स्त्री प्रत्यय किमर्थम यकपूर्वाया जो सूत्र में पाणिनि ने प्रयोग किया स्त्रीलिंग प्रयोग किया है उसको देखते हुए आपने कहा आत को कह दिया वो आकार कैसा होना चाहिए स्त्रीत्व कक्षा में आए हुआ आकार के स्थान में ह्रस्वकार हुआ हो ऐसा आपने जो अर्थ किया इसकी आवश्यकता क्या रहा क्या क्या फल है इसका ये पूछ किमर्थम ये तो प्रश्न फल यही है शुभम इकाई शुभम इति मान्तव्य मान्तव्य नहीं द्वितीय के वचन नहीं समझना नहीं तो शुभ लुक करने लगोगे इसे जान के दिखा दिया वहां भी थे शुभम युहु दृष्टान दिया था वे प्रकरण में तस्मिन उपपदे या प्रापण इति धातु हो या प्रापण धातु है अन्य भ्यो भी दृश्यते इति विच सर्वापर लोप हो गया शुभम या रह गया शुभम या शब्द स्वार्थ कह के अनाथ रस्व टाप शुभम यका शब्द अत्र यकारस्य धातोवस्य स्त्रीवाचकत्वभावाद् इत्विकल्पो न किन्तु प्रतिष्ठादि नित्यमेव इत्थम् इति भावः यकपूर्वे धातुं प्रतिषेध इति वार्तिकम् अर्थसंग्रन्थः ये वार्तिक स्वरूप वास्तव में था इसको दूसरे शब्दावली से लिख दिया धातुंत यकोस्तु नित्यम् धातुंत यकोस्तु नित्यम् यश्च कश्चेति विग्रह धातुंत यकार का कार्योपरि विद्यमान से आकार से नित्यम इतम न तो विकल्प इत्यर्थ नित्य होगा विकल्प नहीं होगा इसका अर्थ है सुनई का नी धातु पचाध्यक्ष है सार्धत्व गुणे हयादेशे नय शब्द सुशोभन नय यस्या सुंदर है शोभन है नय उन्नयन करने की नेतागिरी जिस औरत का ऐसी जो है नेतानी का नाम सुनया तथा स्वार्थक का स्वार्थ का प्रत्योग क्या नहीं थे रस्व पुनस्था सुनय का शब्द अत्र यकार से धातुं तत्ता न ततः परस्य अकार से इति विकल्प किंतु फिर क्या हो गया प्रचस्ता इति नित्यम इति त्वम् इति भाव सुपाकिका यहाँ पे ऐसी पच धातोर घई चजो कुह गिण्यतो इति चकार से कुत्वे उपधा वृद्धो पाक शब्द सुशोभना सुकर्तर दिया शोभना पाको यस्य सा सुपाका सुंदर पकाती है भोजन जो औरत उस औरत को कहते हैं सुपाका फिर स्वार्थ में कह प्रतिवाक्य सरस हो गया पुनस्ताप सुपाक का शब्द रहा उसने अत्र ककार से धातु तत्वात तरप तथा परस्य कार से न इत्विकल्प किंतु प्रस्ता इति नित्य विद्वम इति भाव तो सुपाकी का एक ही रूप थोड़ा तत्वबोधन में देखिए कुछ विशेष कह रहे हैं षष्ठी स्थान योगा इतनेन लब्ध है सूत्र स्थान ग्रहण अनुद्यमान विशेषण परिभाषा नोपतिष्ठित ज्ञापनार्थम षष्ठी स्थान योगा इसके द्वारा विशेषण विशेष भाव बनी जा रहा था स्थानिक प्रसंग आ ही रहा था शास्ताने ये सप्तम्यंत उन विधि सूत्रों पर उपस्थित हो ही जाता है तो फिर क्यों ग्रहण किया स्थान है तो कहते हैं कि अनुवाद्य विशेषणों में या परिभाषा उपस्थित न हो ज्ञापन करने के लिए फलंतो वृद्ध संज्ञायाम एक परिभाषा अनुपस्थानात शाली आदि सिद्धि ही फलम क्या है वृद्ध संज्ञा सूत्र में और वृद्धि कहने पर भी वृद्धि शब्द का सूत्रकार प्रयोग कर दिए हैं फिर भी वहां पर इको गुण वृद्धि सूत्र परिभाषा सूत्र उपस्थित नहीं होता तब शाली आदि रूप की सिद्धि हो जाती ये तो तत्व एक परिभाषा प्रतिष्ठित यदि वह एक परिभाषा प्रतिष्ठित हो तो क्या बिगड़ता तथा औपगवीय इत्यादि वृद्धाचस्य औपगवीय जैक स्थानिक वृद्धि हुई उपगु शब्द था उपगु के उकार क्या है इक है उसको वृद्धि हो गया औपगवा बना हुआ है एक स्थानिक वृद्धि जहाँ हुई हो तार्श वृद्धि है आदिभूत अचजस प्रातिपदिक का उसी को यदि वृद्ध संज्ञा करेंगे औपगवा का वृद्ध संज्ञा हो जाएगा और वृद्धाचस औपगवीय रूप बन जाएगा किंतु शाली न तो शालियो मालियह शालियह मालियह माला शब्द है ना मालायम भव मालिय वृद्धाक्षर करेंगे आप इन वहां पर लागू नहीं होता तत्र ही आकार वृद्धेर एक स्थानिकत्व भाव वहां पर जो आकार का वृद्धि भले वृद्धि संज्ञा है आकार का वहां लेकिन एक स्थानिक वृद्धि नहीं है इसी प्रकार तथा अतो गुणी इत्यतिरिक्त परिभाषा उपस्थित हो अतो गुणे सूत्र आप पढ़ते हैं गुण संज्ञा वाचक वर्ण के पर रहते हुए वो
पर के स्थान है, परूप एकादेश हो जाता है, तो गुण वो जो सूत्र परूप आदेश कर रहा है वहां भी गुणे आ गए, इसलिए आपको गुण शब्द है सूत्र में, हम परिभाषा को लाएंगे इको गुण वृद्धि और इकस जोड़ देंगे यहाँ पर, तब क्या होगा, इकोम कोई परूप होगा ना, अन्य को नहीं होगा। इत्यादि परिभाषा उपस्थित हो ये धे पचे यजे इत्यादि एवं परूपम स्या वहां पर क्या है, टिताग्र पदानाम इतिह इति इतः एत्वे कृते, क्या हुआ इड वही महिम का इट प्रत्यय था इता, ई को ई क्या है इक, उसको आपने क्या कर दिया एत्व कर दिया, वो एक अर्थ गुण संज्ञा रहेगा, इक स्थानिक गुण पर में रहने से परोप एकर्ष इन जगहों में तो हो जाएगा, लेकिन जहां ऐसा नहीं हुआ है जैसे भवंती पचंती इन जगहों में ना, भवंती शब्द है पचंती शब्द है, शब्द का कार्य अंति पर में है, स्त्रीलिंग वाला बोला भवंती दीर्घ कार लिया ना, इसलिए पचंती दीर्घ का, पकाती हुई स्त्री, जाती हो रहती हुई स्त्री, यहां पर क्या है भू धातु से गुण हो गया, अवादेश हो गया, आज के पर शब्द का कार्य पड़ते हुए, और पर में क्या है अंति है, और अंति में तो उन्हें पुरुप लगाते हो आप, आधो बने अकस्मत को बाद करके अतो गुण से पुरुप लगाएंगे वो नहीं लग पाएगा, एक स्थानिक गुण संज्ञा वाला वर्ण तो है नहीं, अंति का जो आकार है एक स्थानिक गुण हुआ है क्या वो कुछ, फिर यहाँ होगा ही नहीं, ये समस्या है। इसी तरह से पचंती वित्यादो न सत तत्क स्थानिक भावाद अकार गुण से बोध्य नव्यास्तो, नवियों की व्यवस्था है वृद्धाक्षम बाधित्वा अंडृगयनादिभ्य अण प्रत्यय यथा सियाद इत्येतद् अर्थम ऋगयनादिगणे व्याकरण शब्द पठ्यते, वृद्धाक्षर को बाद करके अंडृगयनादिभ्य सूत्र में अण प्रत्यय को विधान करता हुआ फल को देने के लिए ही ऋगादिगण के अंतर्गत व्याकरण शब्द को ले लिया गया। यदि अनुद्यमान विशेषणेषु परिभाषा उपस्थित तिष्ठेरन् तर्हि तत् पठनं व्यर्थं स्यात्, ये अनुद्यमान में परिभाषा आता ही नहीं, यदि कहते हाँ नहीं आते ज्ञापन करने के लिए ही यहाँ स्थानीयकरण किया होता, अर्थात अनुवाद्य स्थलों में परिभाषा उपस्थित ही नहीं होता है, फिर तो ये ग्रहण इस गण में लेना, व्याकरण शब्द को उस गण में लेना व्यर्थ हो जाएगा। आकार वृद्धेर एक स्थानिकत्व भावेना, व्या में भी क्या है व्याकरण में आ जो वृद्धि संज्ञा वाला है वो एक स्थानिक तो है ही नहीं, वो तो अंग उपसर्ग था, अभावेना वृद्धि संज्ञा या अभावात प्रसंज्ञा तो है ही नहीं, छस्य प्रवृत्ति छ की प्रवृत्ति नहीं हो रही थी, ये छ की प्राप्ति नहीं है तो अण को विधान करने के लिए ऋगयनादि गण में व्याकरण शब्द क्यों ले रहे हैं भाष्यकार, पाणिनि ने गण में क्यों लिया व्याकरण शब्द, ज्ञापन करता है व्याकरण शब्द में वृद्ध संज्ञा प्राप्त, मैंने वृद्धाक्षर से छ प्राप्त था, वृद्धा से छ जो प्राप्त है बांधने के लिए ही अण विधान करना चाहते हैं, अतएव ऋगयन आदिगण में व्याकरण शब्द को ग्रहण किया गया, इसे ज्ञापन होता है आक वृद्ध संज्ञा इष्ट है, अर्थात वृद्ध संज्ञा का अपवाद करने के लिए अण विधान हेतु जो व्याकरण शब्द को ऋगयन आदिगण में पठित करने पाठ करने में से ज्ञापन हो जा रहा है सीधे सीधे कि अनुवादों में परिभाषा उपस्थित नहीं होती, अतएव यह स्थानीय जो ग्रहण की यह ज्ञापन करे क्या जरूरत है, ऋगयनादि गण में व्याकरण शब्द जो ग्रहण किया वृद्धाक्षर को बांधने के लिए उसी से ज्ञापन हो गया, सूत्र में गौरव काम क्यों कर रहे हैं, तब कहेंगे स्पष्टार्थम तथा च तस्मादेव पाठात उक्तार्थ ज्ञापन संभव है स्थानीय ग्रहण में स्पष्टार्थ मिथ्या हो, बाकी सब स्पष्ट है। वस्त्रैषा जाद्वा स्वा नहीं पूर्वाणामपी, वस्त्रेशाजाद्वास्वा ये षष्ठी का एक वचन है, नई पूर्वाणाम षष्ठी का बहुवचन अपि अभ्य, अतः उसको भी षष्ठी का बहुवचन भी कर सकते हैं, क्योंकि बोल षष्ठी लुक हुआ है, एक वचन हो या बहुवचन हो, वहाँ एक वचन बहुवचन में फर्क कैसे पड़ता है, यदि समाहार द्वंद मानेंगे एक वचन है, इधर एक द्वंद मानेंगे तो बहुवचन होता है, यहाँ पर विशेषता है बहुवचन मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे बहुवचन लिए है ना षष्ठी, इसको भी बहुवचन कर सकते हैं, नई पूर्वाणा षष्ठी बहुवचन है इसलिए इसको भी षष्ठी बहुवचन ले लो कोई दिक्कत नहीं। स्वयं करें स्वेत्यंतम लुप्त षष्ठी कम पदम
स्वा यहाँ तक का जो पद है वो लुप्त षष्ठी वाला पद है। देखने प्रथम बहुवचन जैसे दिख रहा है ना, नहीं तो नहीं पूर्वा एशाम अतः इद्वास्यात। इनके स्थान में जो आकार है, इनके जो अवयभूत आकार है, उनको क्या हो जाएगा, इत विकल्प से हो जाएगा। मैंने भस्त्रा एशा अजा ज्या द्वा स्वा, इतने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पद दिए हैं। इस उसमें काफ़ी विचार है, देखिए अभी तदंत विधि नहीं व सिद्ध है नहीं पूर्वाणाम अपीति स्पष्टार्थ। यहाँ नहीं पूर्वाणाम करने क्या जरूरत है, नहीं पूर्व का मतलब क्या हुआ, तदंत हो गया, नहीं है पूर्व में जिसका, ऐसा जो भस्त्र अंत में है, जो ये अर्थ लेंगे आप, नहीं पूर्व में है और भस्त्र अंत में है, नहीं पूर्व में है एशांत में है, अर्थात तदंत हो गया, भस्त्रांत एशांत ज्ञांत द्वांत स्वांत। तो तदंत विधि से ये बात सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अंगाधिकार में है ही 7347 है। जब तदंत विधि के द्वारा ही सिद्ध था, फिर नए पूर्वाणाम जो ग्रहण किया पाणिनि ने वह स्पष्ट था, कोई विशेष ज्ञापन के लिए नहीं, इसलिए ध्यान रखिए कहा उसमें भस्त्रा ग्रहण उपसर्जनार्थ, भस्त्राय क्यों ग्रहण किया, कत इसलिए कि जहां पर उपसर्जन होगा, कि आगे एक सूत्र आ रहा है, इसी के बाद का ही सूत्र है अनुपसर्जना। उपसर्जन में क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द भी तीनों लिंगों में चला सकते हुआ, निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रकम, तीनों लिंग में चलेगा, निर्गतो भस्त्रा यस्य। यहाँ पर क्या है, तदंत तो है लेकिन वस्त्र शब्द का अर्थ गौण हो गया समास होने से, उपसर्जन हो गया, तो अगला सूत्र अनुपसर्जनात् कह रहा है ऐसे, इसलिए अनुपसर्जन वाला तदंत वाला जो वस्त्र शब्द है, तदंत में क्या हो जाएगा, वस्त्र से अपने आप उपसर्जन हो जाएगा समास करने से, और उपसर्जन हो जाएगा तो उस स्थिति में ही ये सूत्र हम ले रहे हैं, सूत्र यहाँ वस्त्र शब्द ग्रहण किया, क्योंकि अनुपसर्जनों में तो अगले सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध है, इस सूत्र भस्त्राग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा तदंतों में, इसलिए कहते भस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम। अन्य से तो उत्तर सूत्र सिद्धम, जहां उपसर्जन नहीं होगा वहां तो अगला सूत्र से एक कार्य सिद्ध हो जाएगी द्विकल्प। ऐसा द्वा इनको क्यों ग्रहण किया, सूत्र में ये तो शब्द वाले हैं, ये तो है ना, यदादिगण के हैं, ये ऐसा द्वा ये तो यस्तु सपूर्वयोर नैत्वम, ये यस्तु नए से भिन्न पूर्व में हो वैत्व नहीं होगा, नए से भिन्न पूर्व में होगा तो वैत्व न हो, इसके लिए अंतर्वर्तनी विभक्तिम आश्रित्य असुपैति प्रच्छेदा, असुपैति प्रच्छेद होने से जैसे यहाँ अन्येषका परमैषका इत्व नहीं हुआ, अद्वके परमद्वके यहाँ भी तो नहीं हुआ, स्वशब्द ग्रहण संज्ञोपसर्जनार्थम, स्वशब्द जो ग्रहण किया दो कारण से, एक तो संज्ञा परक होगा तब और उपसर्जन होगा तब के लिए लाभ है। यही आत्स्थानित अनुवृत्तम स्वशब्द से आतो विशेषणम से आत, और आत्स्थाने सूत्र जो अनुवृत्ति हुई है उसका मुख्य लाभ का स्वशब्द के साथ, न तो द्वैषयोर असंभवा, द्वा केशा में नहीं लेना, क्यों असंभवा ना भी अन्यषा अव्य विचार, अन्यों में भी नहीं, वहां तो आप सदा नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द है, वो तो नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं, क्योंकि एतत् शब्द में और द्विशब्द में क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग तो है नहीं, त्रिलिंगा है वो, तीनों लिंग में चलता है ना ये, एतत् शब्द और द्विशब्द, स्त्रीलिंग भी होता है अस्त्रीलिंग भी होता है, इन भस्त्रा शब्द है वो तो नित्य स्त्रीलिंग है, इसे कह दिया ना भी अन्य शाम, क्योंकि इनमें स्त्रीत्व का व्यभिचार ही नहीं है, वो नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं अव्यभिचारा, स्वशब्द तो पुलिंग में भी होता है, स्वशब्दस्तो अनुपसर्जनम आत्मीयवाची अकजर्तस्या, स्वशब्द का तो अनुपसर्जन में लाभ देने और आत्मीयवाचक शब्दों में भी अकच अधिकारी सिद्धि करने यहाँ ग्रहण किया गया है, अर्थांतरित, और अर्थांतर में तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं होता न स्त्री, संज्ञोपसर्जन भूतास्तु
अच्छा संज्ञा उपसर्जन भूत तो वहां तो क प्रत्यंतवाद भवति उदाहरणम, वहां तो क प्रत्यंत करके उदाहरण तो बनेगा ही एवं च। इसलिए आत्मीय अर्थ में क्या होगा, आत्मीयाम स्वीकारित हो जाएगा, परम स्वीकारित नित्यम एवं। और अन्यत्र देखो निर्भस्त्र का निर्भस्त्रिका, एष का एशिका इत्यादि। कृत शत्रु निर्देशात् नय विकल्प, सत्व का करके सूत्र में निर्देश किया, इसे ज्ञापन करता जहां सत्व नहीं होता है, ऐसे शब्द में ये सूत्र नित्य विकल्प नहीं करेगा बल्कि प्रत्यस्तात् का से नित्य हो जाए। नय विकल्प जैसे एति के एतिका, अजका अजिका, जका जिगा, द्वके द्विके, निस्वका निस्विका, इन सब जगहों में विकल्प हो गया।